हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए बना कर लेकर आई हूँ ये बहुत ही टेस्टी से नूडल्स, जो कि वेज नूडल हैं और बहुत ही आसानी से बने हैं। तो चलिए बिना देरी के हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दें। यहाँ पर मैंने पहले ही वाटर को बॉयल करने रख दिया था और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी रिफाइंड ऑयल। थोड़ा सा मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया है, इसमें आप सॉल्ट ज़रूर ऐड करिएगा। नूडल्स क्योंकि प्लेन हैं तो उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता है, और पानी में अच्छे से बॉईल कर लेंगे तभी हम नूडल्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं प्लेन नूडल ले रही हूँ और इसको हम डाल देंगे पानी में। अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बॉईल हो रहे हैं। ऑयल इसलिए ऐड करते हैं ताकि ये चिपके नहीं आपस में। और यहाँ पर मैंने 80% तक इसे कुक कर लिया है और अब गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और इसे ड्रेन ऑफ़ कर देंगे हम। और इसे मैं टैप वाटर से वॉश कर लूँगी, नॉर्मल ठंडे पानी की ज़रूरत नहीं है, हम इसे ऐसे ही वॉश कर लेंगे और इसे रख देंगे साइड में। तो चलिए बनाते हैं इसके लिए हम तड़का। यहाँ पर मैंने ले लिया है सरसों का तेल और उसमें मैं ऐड करूँगी कुछ चॉप्ड गार्लिक, और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई। हल्का सा भून लेंगे। और अब मैंने डाल दी है इसमें एक प्याज जो कि मैंने बल्क शेप में काट ली थी। इसे हमें बहुत अच्छे से ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको हम इसी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अब ये पत्ता गोभी चॉप की हुई, और इसमें जाएगी शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर दूंगी, और मैंने कुछ बीन्स ले ली थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आपके पास जो भी सब्ज़ी अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये पत्ता गोभी और ज़रूर ऐड कीजिएगा आप, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। और इसमें जाएगा अब ये 2 चम्मच के करीब विनेगर, नॉर्मल विनेगर है। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये सोया सॉस 2 चम्मच। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है तभी बहुत अच्छे से हमारी चाउमीन का जो तैयार होता है मिक्स बहुत अच्छे से बनता है। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं ये नूडल्स, और इसे हम अच्छे से इन सब में मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल भी ये नूडल आपके चिपकेंगे नहीं अगर आप इसमें रिफाइंड ऑयल पहले से ऐड कर देंगे तो। ये देखिए मैं इसे बहुत अच्छे से कर लूँगी मिक्स। और अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये टमाटो प्यूरी, और इसमें जाएगी अब ग्रीन चिल्ली सॉस। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसे अभी ऐड नहीं करें, बाद में ऐड करिएगा। इसे हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ये बिल्कुल तैयार है अब खाने के लिए। गर्मा गर्म इसे ज़रूर खाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बिल्कुल मार्केट के जैसी। और कर लेते हैं इसे अब हम सर्व। ये देखिए कितनी खिली खिली हमारी बनी है नूडल्स। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिल सकें। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।